जैतारण थाना पुलिस ने निम्बोल में बीती रात हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। गौरतलब रहे कि थाना क्षेत्र के निम्बोल ग्राम में बीती रात अज्ञात लुटेरों ने वर दंपति की चाकुओं से गोंद कर निर्मम हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्योति स्वरूप शर्मा व पुलिस उप अधीक्षक वीरेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन व जैतारण थानाधिकारी रविंद्र सिंह खींची की अगुवाई में पुलिस टीम का गठन किया गया। उक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निम्बोल ग्राम के दो आरोपी राम स्वरूप पुत्र नातूराम घासी और पवन पुत्र रामेश्वर व्यास को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने जानकारी दी कि उक्त आरोपियों का छोटू राम के घर रोजाना आना जाना रहता था, जिससे आरोपियों को उसके घर में रखे सोना चांदी व नकदी की जानकारी थी। लूट के उद्देश्यों से दोनों आरोपियों ने वर दंपति की निर्मम हत्या कर दी थी। आज करीब 8-9 बजे के बीच जैतारण थाना इलाके में निम्बोल गांव में एक वृद्ध दंपति है जिनकी उम्र करीब 65 वर्ष के करीब है, छोटू राम पुत्र पांचूलाल और उनकी पत्नी तारा देवी, इन दोनों की हत्या कर दी गई। ये दोनों अकेले रहते थे और इनके बच्चे मुंबई रहते हैं। घटना के बाद हमने इसमें टीम बना करके और प्रयास किए और इसमें जोधपुर से FSL टीम और डॉग स्क्वाड और पाली से MOB और साइबर टीम ने भी मदद की और लोकल SHO, DYSP, एडिशनल SP, मैं खुद, हमने मौका देखा, मेहनत की, तो इसमें हमें सफलता मिली है। और दो मुलजमानों को जो हत्या में इन्वॉल्व थे और मेन प्लॉटर थे उनको हमने डिटेन किया है। इसमें से एक तो है रामस्वरूप और दूसरे का नाम है पवन। ये दोनों उसी गांव के रहने वाले हैं, निम्बोल गांव के ही, और ये दोनों अच्छी तरह से परिचित थे छोटू राम से और इनका उसके घर आना जाना था। इनको इस बात की जानकारी थी कि छोटू राम के घर में काफ़ी मात्रा में नकदी व कैश रहता है, तो इन्होंने उसको लूटने की नीयत से एक योजना बनाई और उसके बाद शाम के समय जब 7-7:30 बजे अंधेरा हो गया था उसके घर गए दोनों। पहले उनको, जब उसकी वाइफ से कहा चाय पिलाओ, जब वो चाय बनाने अंदर गई तब पहले उन्होंने जो बुजुर्ग है उसको ओवरपावर करके उसका मर्डर किया। उसके बाद जब वाइफ आई उसका मर्डर किया और उसके बाद ये उन्होंने कुछ सामान लूटा वहाँ से। और फिर इसी बीच वाइफ की आवाज़ पड़ोस में जो रहती है उन्होंने सुनी, जिससे मोहल्ले में जाग हुई और लोग एक्टिव हुए, तो ये वहाँ से छत से कूद कर भाग गए। मतलब ये पूरा लूट कर नहीं पाए, उससे पहले ये भाग गए। अभी प्राइमर फेसी ये बात आई है, अभी इनसे रिमांड पे लेके इनसे और तफ्तीश करेंगे, इनका क्या तरीका है वारदात है डिटेल में वो, प्लस क्या इसमें कोई और इन्वॉल्व है इस बाबत और तफ्तीश करके, और फिर इसको पूरा क्लियर करेंगे मैटर को। अभी जस्ट इनको लाया गया है, अभी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कराएंगे तो हो सकता है कि इस तरह की कोई वारदात निकल गया है।